दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैटरी जो आपकी गाड़ी की होती है या बाइक की होती है, उसके ख़राब होने के मेजरली क्या कारण होते हैं। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल्स देखिए क्या हाल हो चुका है बैटरी के। इसमें वाइट वाइट कलर का पाउडर जम चुका है। ये मेनली ऑक्सीडेशन का काम होता है, क्योंकि तेजाब जो होता है वो निकलता है एंड ऑक्सीजन के साथ मिलने के साथ ये पाउडर छोड़ता है, जो आपके जो टर्मिनल्स को ख़राब करता है, बैटरी की लाइफ को हैम्पर करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपनी बैटरी को हम कैसे बचा सकते हैं जो ये तेजाब की ऑक्सीडेशन है इससे, एंड अपनी बैटरी की लाइफ को कैसे दोगुना कर सकते हैं। दोगुना ना हो तो डेढ़ गुना तो हो जाए। अगर बैटरी 3 साल 4 साल चलती है तो वो 5-6 साल चलेगी अगर आप इसे मेंटेन करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। अगर स्किप करेंगे तो नुकसान खुद का करेंगे। तो ये देखिए, ये जो बैटरी को होल्ड करने वाली प्लेट होती है उस पर भी जमा हुआ है। तो मैंने अपनी गाड़ी में देखा था तो मुझे काफ़ी बुरा लगा देखकर। तो आज हम इसी को बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे। पहले तो आपने टूथब्रश लेकर जो ऊपर ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना है। ये देखिए कैसे निकल रहा है, सभी तरफ आप इसको कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपके अगर हाथ थोड़े से सेंसिटिव हैं तो आप इस पर कोई ग्लव्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये काम मत करिएगा। तो अभी हम बिना टर्मिनल्स को उतारे हुए जो ऊपर वाला पाउडर होता है उसको निकाल रहे हैं ब्रश की हेल्प के साथ। ब्रश आप टूथब्रश यूज़ कर सकते हो या कोई और ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये करने के बाद हमने किया क्या कि हम इस टर्मिनल्स को लूज़ कर देंगे एंड जो बैटरी है उसको बाहर निकालेंगे। सो दैट हम देखेंगे बैटरी की कंडीशन क्या है, पानी वगैरह भी चेक करेंगे। पहले आप पॉजिटिव वाला निकाल लीजिए। आप प्लास यूज़ कर सकते हो, चाबी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा जम गया है क्योंकि वाइट वाइट जो पाउडर है वो थोड़ा सा इसको स्टिक कर लिया है उसने टर्मिनल के साथ। थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा एंड उसके बाद ये लूज़ हो जाएगा। तो इसको निकालने के बाद हम नेगेटिव टर्मिनल के तरफ होंगे, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा वाइट वाइट आप देख सकते हैं टर्मिनल पर जमा हुआ है। तो इसको उतारने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टिक हो गया है तो आप WD-40 का यूज़ कर सकते हो या फिर थोड़ा सा मोबलाइल वगैरह भी लगा सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है, अब इसको हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा स्पार्किंग वगैरह भी हो सकती है थोड़ी सी, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो वो मैंने उसको पेचकस से थोड़ा सा लिफ्ट कर लिया है एंड अब ये वाला खोलेंगे, दूसरा नेगेटिव वाला। इसके ऊपर भी पाउडर वगैरह जमा हुआ है, ये भी थोड़ा सा स्टिक हुआ है, उसके साथ जाम हुआ हुआ है। तो ये देखिए हमने पॉजिटिव वाला तो बिल्कुल उतार लिया एंड नेगेटिव वाला भी हम इसी प्रकार से उतार लेंगे। तो जो आपकी एक्स्ट्रा वायर्स लगी हुई हैं आपने उनका ध्यान रखना है। हो सकता है वो कोई आपकी CNG किट की लगी हो, जहाँ कोई आपने सिस्टम बड़ा लगवाया हुआ है गाड़ी में तो उसकी भी डायरेक्ट वायरिंग करते हैं वो बैटरी से। ये वाले जो प्लेट्स होती हैं जो बैटरी को अपनी तरफ होल्ड करके रखती हैं, इन पर भी थोड़ा सा असर हुआ हुआ है। तो इसको हम खोल लेंगे। अगर मैंने आपको कहा ज़्यादा जाम है तो आप WD-40 का स्प्रे आता है वो यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ा सा मोबलाइल या तेल लगा लीजिए। तो इस प्लेट को हम उतार कर हम बैटरी को असेस करेंगे, बैटरी को उतारेंगे, बैटरी को प्रॉपरली साफ़ करेंगे। ये काम करने ज़रूरी हैं आप 3-4-5 महीने बाद, जितनी आपकी बैटरी की रिक्वायरमेंट आप कर सकते हो। तो ये कोटिंग ज़्यादा थी तो इसलिए हमने उनको दोबारा से साफ़ कर एंड रिमूव कर दिया। अब बैटरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। सारी वायर्स को साइड पे कर लिया है एंड अब बैटरी को उठाएंगे। बैटरी को हमने लिफ्ट कर लिया है। अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो बैटरी आपकी बड़ी होगी, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो उसके एम्पेयर कम होते हैं तो बैटरी छोटी होती है। तो ये एमरॉन की बैटरी है,
इसको हम पहले थोड़ा सा वेट क्लॉथ के साथ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ प्रॉपरली साफ़ करेंगे। बाहर से साफ़ करने से आपकी एक तो जो इंजन बे है वो अच्छा लगेगा, साफ़ लगेगा, एंड बैटरी जो है वो भी आपको अच्छी लगेगी देखने में। वैसे भी साफ़ सुथरी चीज़ की लाइफ वैसे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नज़र आ जाती है। तो इसको हम प्रॉपरली साफ़ करेंगे। जो पोर्शंस कपड़े से साफ़ नहीं हो पा रहे, उसको हम ब्रश से साफ़ कर लेंगे। ये बैटरी के जो ऊपर आप कंपार्टमेंट देख रहे हैं जहाँ पर पानी होता है, तो कई बैटरियों में पानी वाला कंपार्टमेंट होता है एंड कई बिल्कुल ड्राई बैटरी आती हैं। तो हम टर्मिनल्स को भी प्रॉपरली साफ़ करेंगे। कई बार होता क्या है कि जो टर्मिनल्स गल जाते हैं, अगर हम इनकी केयर नहीं करते तो ये टर्मिनल्स गल जाते हैं, आपकी बैटरी पूरी ख़राब हो जाती है। तो इन टर्मिनल्स को भी आपने बचा कर रखना है। टर्मिनल्स का मीनिंग है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, जो आप डंडे देख रहे हो ना बैटरी पे, वो तो आप जहाँ से बैटरी होल्ड करते हैं वहाँ से भी प्रॉपरली साफ़ कर लीजिए। ये देखिए कपड़ा एंड ब्रश की सहायता से साफ़ किया जा रहा है। इसके बाद आप पानी भी देख सकते हो, बैटरी का चेक कर सकते हो। वैसे तो पानी बहुत टाइम के बाद कम होता है, हो तो हो, पानी मेंटेन रहता है। तो मैंने 6-7 महीने पहले पानी का लेवल चेक किया था एंड थोड़ा सा पानी इसमें गया था। तो अगर आपकी बैटरी पानी वाली है तो आपने इस बैटरी को सूखने नहीं देना। अगर पानी कम हो गया, पानी का मीनिंग है एसिड प्लस वाटर, आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना होता है जहाँ बैटरी का पानी आता है। तो पानी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि लिक्विड है। आप कहीं भी जाकर कहेंगे दुकान में, बैटरी वाली दुकान में पानी दे दो बैटरी का, तो वो दे देते हैं। प्लेट सूखनी नहीं चाहिए। अगर आपकी प्लेट सूख गई हैं, एसिड नहीं है बीच में, तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। जो अच्छे तरीके से मॉइस्ट कपड़े से साफ़ करने के बाद आपकी बैटरी बाहर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। एंड आपको मैं बताता हूँ टर्मिनल्स को बिल्कुल ठीक साफ़ सुथरा रखने का तरीका क्या है। इसको साफ़ करने के बाद बाहर से हम जहाँ पर एसिड डलता है वो वाला कंपार्टमेंट खोलेंगे। आप इसको पेचकस की सहायता से खोल सकते हो। एंड यहाँ पर भी मिट्टी, वो जो पाउडर था वाइट वाला, वो अकोमुलेट हुआ हुआ है। इसको हम बिल्कुल साइड से प्यार से साइड पे कर देंगे। कोशिश कीजिएगा कि ये बैटरी के अंदर ना जाए, अंदर जाएगा तो काम ख़राब करेगा। तो आप इसको प्यार से ब्रश की सहायता से या कपड़े की सहायता से आप इसको साइड से बाहर निकाल कर बैटरी को क्लीन कर सकते हो। तो हमने दोनों तरफ कर लिया है एंड मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वाटर लेवल, जो एसिड लेवल है वो कितना है बैटरी में। दोनों तरफ आपने करनी है चेक। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप जब सर्विस करवाते हो, बाहर से करवाते हो या शोरूम से करवाते हो, तो उनको भी रिमाइंड करवा दीजिएगा कि बैटरी में आप एसिड का लेवल चेक कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक है। ज़्यादा भी आपने नहीं रखना पानी, क्योंकि वो बाहर स्पिल करता है, क्योंकि गाड़ी जब सड़क पर चलती है, ऊपर नीचे रास्तों में चलती है, तो एसिड के स्पिल होने का खतरा रहता है। तो ये देखिए एसिड फिलहाल पूरा है, अगर ऊपर से नज़र ना आ रहा तो हम इसको टॉप अप कर देते। एंड इसको लगा कर आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है, पेचकस से कर दीजिए, प्लास से कर दीजिए, सो दैट कि वाटर बाहर स्पिल ना करे। इसको सेट करने के बाद हम टर्मिनल्स की तरफ आएंगे। जो ये नॉगेटिव एंड पॉजिटिव वाले हैं, ये खुश्क हो जाते हैं जैसे हमारे स्किन होती है। तो ये आप ग्रीस या वैसलीन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ग्रीस थोड़ी सी हैवी होती है, तो हमने थोड़ी सी निकाल कर इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर पहले पाउडर वगैरह जम चुका था, तो इनको थोड़ा सा हाइड्रेट कह लीजिए करना ज़रूरी था। तो दोनों तरफ लगा देंगे, दोनों तरफ लगाकर हाथ से रब कर देंगे। अगर आपके हाथ सेंसिटिव है तो ये आप कोई ग्लव वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये करने के बाद जो एक्सेसिव वाला है वो आप कपड़े से पोंछ सकते हो, ऊपर हल्का हल्का पोंछ दीजिए, सो दैट कि एक्स्ट्रा ना लगा रह जाए। तो ये साफ़ करने के बाद हमारी बैटरी बिल्कुल चकाचक हो गई। ये आप 6-7 महीने में एक बार कर सकते हो, जहाँ आपकी जैसी बैटरी की रिक्वायरमेंट है, जिस जगह वो चलती है। अगर आपकी बैटरी थोड़ा हैवी लोड लेती है, क्योंकि अंदर सिस्टम वगैरह आपने बड़ा लगवाया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बैटरी को बाहर से भी अब एक बार साफ़ कर देंगे, सो दैट कि गंदे हाथ लगे थे तो वो साफ़ हो जाएं।
ये बैटरी बिल्कुल चकाचक हो चुकी है, आप देख सकते हो पहले की कंडीशन क्या थी एंड अब की कंडीशन क्या है। इसके बाद हम करेंगे जो बैटरी की ट्रे होती है जहाँ से हमने बैटरी निकाली है उसको क्लीन करेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी है बैटरी की मेंटेनेंस के बारे में, अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपको पक्का मिलेगी एंड कहीं ना कहीं आपके पक्का काम आएगी। तो हम बैटरी को उसकी जगह पर प्लेस करते हैं, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि लोग बैटरी की मेंटेनेंस नहीं करते, ख़राब हो जाती है बैटरी, नीचे वाला जो प्लेट होती है वो जंगाल पकड़ लेती है। अब तो काफ़ी गाड़ियों में ड्राई बैटरी का भी यूज़ किया जाता है, उसमें पानी वगैरह का चक्कर नहीं होता। तो इसको हम प्रॉपरली सेट कर देंगे इसकी जगह पर, जो ऊपर वाली प्लेट थी जो हमने साफ़ की थी उसको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, सो दैट कि ये बैटरी अपनी पोजीशन पर होल्ड करके रखे अपने आप को। तो ये दो लंबी लंबी तारे हैं जिनके ऊपर वो स्टैंड रहता है, तो इन पर भी आपने देखा था कि वाइट वर्ड्स वगैरह सामान जमा हुआ था, तो हम इनको भी थोड़ा सा लुब्रिकेट कर साफ़ कर एंड ऊपर वाला सामान लगा देंगे कि सो दैट काम शुरू किया है तो प्रॉपरली सारा काम हो जाए। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा दिया है सो दैट कि ये नट वगैरह है प्रॉपरली काम करें। इनको करने के बाद आप थोड़ा सा कपड़े से पोंछ सकते हो अगर आप नहीं चाहते कि थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी रहे। जो ऊपर वाली प्लेट थी जो इनको पकड़ेगी उनको भी साफ़ किया जा रहा है प्रॉपरली, कपड़ा मारेंगे इसके बाद ये बिल्कुल चकाचक हो जाएगी। कपड़ा मारा जा रहा है, पहले ब्रश मार दिया सो दैट कि जो वहाँ पर कपड़ा नहीं पहुँच सकता वहाँ पर भी सफाई हो जाए। तो साफ़ करने के बाद इसको आप उसकी पोजीशन पर लगा दीजिएगा एंड नट टाइट कर दीजिएगा। मेरी गाड़ी में एक नट तो फिक्स है, दूसरे नट को टाइट करना पड़ता है, राइट वाला टाइट होगा। सेकंड तरफ भी हमने लुब्रिकेशन कर दी है, क्योंकि यहाँ पर भी वो जो थ्रेड होते हैं स्क्रू के वो थोड़े से अड़ रहे थे। अब आप देखेंगे जो यहाँ पर गाड़ी को पावर सप्लाई की जाती है जो क्लंप होता है उसमें भी बहुत सारा कोटिंग वगैरह एसिड की जो रिएक्शन था वो हुआ हुआ था, तो यहाँ पर भी हमने इंजन ऑयल का थोड़ा सा लगा दिया है एंड ब्रश से साफ़ किया जा रहा है। आपने पहले देखा था कि वाइट वाइट हुआ था, अब बिल्कुल नीचे से अच्छा बेयर मेटल निकल आया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है एंड ब्रश से साफ़ किया जा रहा है। साफ़ करने का मेन मोटिव यही था कि जो गंदगी वगैरह थी जो रिएक्शन वगैरह हो रहे थे वो बिल्कुल ठीक किए जाएँ एंड कपड़े से बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, जैसा हम नया लेके आए हैं वैसा हो गया। आप देख सकते हो काफ़ी फ़र्क पड़ गया है कलर में। इसको साफ़ करने के बाद इसको लगा दिया जाएगा। जो भी आपकी कोई तार एक्स्ट्रा आपने लगाई हुई है, आपकी गाड़ी में कोई एक्सेसरी लगी है, तो उसको आपने प्रॉपरली सेट कर देना है। कोई भी वायर लूज़ नहीं रहनी चाहिए, लूज़ वायर रहेगी तो स्पार्किंग होने का खतरा होता है, तो आपने पहले तार को सेट कर बिल्कुल सेट कर देना है, टाइट कर देना है, कोई भी चीज़ लूज ना रह जाए। अब हम आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल की साइड पे, तो इसको भी हमने थोड़ा सा आप इंजन ऑयल लगा दीजिए, कोई ग्रीस लगा दीजिए, बाद में ब्रश से साफ़ कर दीजिए सो दैट कि जो वाइट रेसिड्यू है वो निकल जाए। एंड ये भी देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है पहले के कंपैरेटिवली। इसको भी इसकी पोजीशन पर लगा दिया गया है एंड जो भी वायर साथ में हैं इसके वो अटैच कर दी गई हैं एंड इसको टाइट कर दिया जाएगा। बस आपने जब वापस लगाने हैं तो ये सारा देखना है प्रॉपर तरीके से कि कोई वायर लूज़ नहीं रहनी चाहिए। ये करने के बाद हमने जो रेड टर्मिनल है वो भी साफ़ कर दिया है, उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर वैसलीन। वैसलीन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि वैसलीन एक लेयर का काम करती है जो एसिड की जो लीकेज है सीपेज है उससे बचाती है। आपने और भी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि वैसलीन का यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, इससे टर्मिनल्स ख़राब नहीं होते एंड आपकी बैटरी बची रहती है।
तो दोस्तों होप करता हूँ आपने जो वीडियो देखी है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी पॉइंट पर आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी अपने दोस्त को चाहते हैं कि वो अपनी बैटरी की लाइफ को मेंटेन करे, अपना कोलीग अपने दोस्त से अपने रिश्तेदार से, तो इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा सो दैट कि कोई ये अच्छी जानकारी है वो किसी और तक भी पहुँच सके। तो दिस इज़ इंद्रप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू द चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, आप चैनल पर बने रहिए। एंड और भी बहुत सारी कार की DIY मॉडिफिकेशन हमने की हुई हैं, वो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।